एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका डंगवाल है और मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। तो मैं आज आप सभी के सामने अपनी वंडरफुल एकेडमिक अप्रेंटिस से लेके एकेडमिक एसोसिएट तक की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा पुणे से स्टार्ट हुआ था और अभी आज मैं त्रिपुरा में एज ए फुल टाइम एकेडमी एसोसिएट वर्क कर रही हूँ। तो जब मेरा स्टार्टिंग हुआ था एकेडमी अप्रेंटिस, सिर्फ मैंने 3 मंथ का पुणे कैंपस में किया था और पुणे कैंपस से ही मैंने अपनी सारा रेजिडेंशियल 1 ईयर का प्रोग्रामिंग कोर्स भी कंप्लीट किया था और वहीं पे वर्क किया 3 मंथ तक। तो वो जो जर्नी थी उसमें स्टार्टिंग था, एकदम हम लर्निंग पोजीशन पे थे और उससे पहले हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी कि एकेडमी एसोसिएट कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंडर में हैंडल करनी होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो वो एक नया एक्सपीरियंस था जो मैंने एक्सप्लोर किया और आज मैं आप सभी के सामने उस एक्सपीरियंस को बताना चाहती हूँ कि वो मेरा किस तरीके से था। तो जब मैंने नवगुरुकुल में एज अकेडमी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी और मेरे मन में था कि यार मैं कर रही हूँ बट मैं कर पाऊँगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मेरे को मतलब अगर मुझसे गलती हो गई तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन जब मैंने नवगुरुकुल में एज अ टीम ज्वाइन किया तो एकदम जितना मैंने सोचा था सब डिफरेंट निकला। लाइक कि जब आप नवगुरुकुल में एज एम्प्लॉय काम करते हो तो आपको पूरी टीम बहुत अच्छे से बहुत केयर करती है, बहुत प्यार करती है, पूरा सपोर्ट करती है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप के मतलब सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलती कर दी आपको काम नहीं दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उससे कुछ नया सीखने को बताया जाता है। तो वो चीज़ मैंने नवगुरुकुल में सीखी। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं 2 साल पहले की अगर प्रियंका को कंपेयर करूँ आज के प्रियंका से, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मतलब कि जब मैं नवगुरुकुल में एज अ स्टूडेंट आई थी तो मैं बहुत शाई थी, इंट्रोवर्ट थी, अपने में रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। बट आज ऐसा है, 1 साल में नवगुरुकुल ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि इतना अच्छे से मैं अपने खुद को एक्सप्लोर कर पाई कि आज मैं किसी के भी सामने खुद को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, नवगुरुकुल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से और भी बहुत आराम से कर सकती हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस मुझे नवगुरुकुल से ही मिला, वो भी एक टीम में काम करने के बाद। तो जब मैंने नवगुरुकुल में ऐसा फुल टाइम रोल किया तो मैं त्रिपुरा कैंपस के लिए हायर हुई थी फुल टाइम। और त्रिपुरा कैंपस में आने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट की थी, मैं और श्वेता दी आई थी, तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी नया था क्योंकि एकदम ज़ीरो से जहाँ पे स्टार्टिंग में पहले दिन बच्चा एडमिशन होके आए और उसका जॉब लगाने तक का प्रोसेस, आज मेरे को 8 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं नवगुरुकुल त्रिपुरा कैंपस में और मेरे कैंपस से लगभग 8-9 बच्चों का जॉब लग चुका है, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग उन बच्चों को मैंने स्टार्टिंग से लेकर जॉब तक का जो उनका जर्नी था वो मैंने उनके साथ मतलब उनके फेज में किया है, तो वो मेरे को बहुत ही मेरे लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब जब मेरे स्टूडेंट को जॉब लगी तो वो जो हैप्पीनेस थी मेरे लिए ऐसे थी कि जितना खुशी मुझे अपने जॉब के दिन नहीं हुई थी उससे ज़्यादा खुशी मुझे उस टाइम पे हुई थी जब मेरे स्टूडेंट को जॉब लगा था। तो वो एकदम अमेजिंग हैप्पीनेस था मेरे लिए कि हाँ मेरी मतलब मैंने इनके लिए इतना मेहनत की, उन्होंने अपने लिए इतने मेहनत किया, उनकी मेहनत रंग लाई। तो ये सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग थी मेरे लिए। उसके बाद भी मैंने मतलब नवगुरुकुल आने के बाद मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने टीम वर्क में बहुत हर जगह पे अपने आप को रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखा। अब मतलब मेरे सामने रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं बट अभी ऐसे काम करने के बाद इतना एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ कि हाँ कुछ भी चैलेंज आए तो आराम से टेक ओवर हो सकता है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, कुछ भी अच्छे से चीज़ें हो पा रही हैं। वो सारा कुछ एक्सपीरियंस जो है वो मुझे नवगुरुकुल में एज अ टीम मेंबर काम करने के बाद आया। और जब मैं एज ए स्टूडेंट से शिफ्ट हुई टीम मेंबर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा था कि बहुत सारे फ्रेंड्स छूट गए लेकिन बहुत नए नए लोगों से मिलना हुआ, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी से मिलना हुआ। मतलब ऐसा था कि जब हम टीम में काम करते हैं तो वहाँ पे आपका एज, आपका बैकग्राउंड कुछ नहीं देखा जाता, आपका क्वालिफिकेशन, बस आपका देखा जाता है आपके विलिंगनेस, आपका हार्डवर्क, आपका मतलब किस तरीके से आप टीम में बॉन्डिंग में काम करते हो, आपका मैनेजमेंट स्किल, आपके स्किल्स देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें। मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि यार मेरे पास इतना कम नॉलेज है और मेरे टीम के सीनियर्स के पास इतना नॉलेज, कभी ऐसा फील ही नहीं होने देते। ऐसा लगता है कि हाँ हम सब एक हैं। मतलब ऐसा नवगुरुकुल की टीम एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे को बस हमेशा, मतलब ऐसा है कि हम कुछ भी गलती करेंगे हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास कोई है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमारे को हमारी गलतियां हमें बताएगा, हमें फीडबैक देगा, हमारे
रोज स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने नवगुरुकुल में एज ए एम्प्लॉय में होने के बाद रियलाइज़ किया, और ये मेरे लिए एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस था। नवगुरुकुल में ऐसा टीम होने के बाद आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, लाइक कि आपको मतलब आपका जो भी सैलरी वगैरह है वो तो आपको मिलता ही है, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपनी फैमिली को मतलब हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आप अलग अलग मतलब नवगुरुकुल में रहने के बाद मैंने बहुत सारे जगह एक्सप्लोर की, मतलब आई नेवर थॉट कि मैं उत्तराखंड से भी कभी बाहर जाऊंगी, बट नवगुरुकुल इज़ अ माई ड्रीम प्लेस, लाइक जहां मैंने अपने सारे ड्रीम पूरे किए। नवगुरुकुल में आने के बाद मैं पुणे कैंपस में रही, पुणे एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैं त्रिपुरा शिफ्ट हुई, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर किया, उसके बाद हमारे एक अमेजिंग वर्कशॉप हुआ था हमारी टीम के लिए जिसमें मैंने बैंगलोर को एक्सप्लोर किया। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोकेशन एक्सप्लोर करने को मिलता है, और भी बहुत नए नए लोगों के साथ, अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ मिलने को मौका मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए नवगुरुकुल का। ये सब मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था, और भी मैंने बहुत सारे मतलब अपने में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, और भी मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है, और भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मुझे ऐसा लगता है नवगुरुकुल में मेरा जो काम करने का चॉइस था, मेरा था कि मैं एज अ टीम काम करूँ, वो मेरा एकदम लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैंने नवगुरुकुल चुना, और मैं नवगुरुकुल में एज अ टीम के साथ काम की, और आज मेरे पास मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कहीं और नहीं मिल पाता अगर मैं कहूँ तो। उसके बाद मुझे बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि आप लोगों को भी पता है हमारे 6 कैंपसेस हैं पूरे इंडिया में, और अभी नए कैंपसेस और ओपन हो रहे हैं, लाइक कि हमारा अमरावती नया कैंपस ओपन हो रहा है, तो हमें ऐसे ही अमेजिंग पर्सनैलिटी का नीड है, हमें और भी अकेडमी एसोसिएट्स का नीड है, तो हम लोग हायर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि वो हमारी फैमिली में ज्वाइन होना चाहता है, टीम के साथ काम करना चाहता है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करना चाहता है जहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हो, और अगर आप कोई मतलब ऐसा नहीं है आपको कोई जज करेगा, आपको कुछ नहीं आता चलेगा, लेकिन आपके अंदर विलिंगनेस है तो वो सबसे बड़ा आपका पेशन है कि हाँ आप कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो वो चीज़ है, अगर आप लोग को लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसोसिएट के थ्रू अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, और अलग अलग इस तरीके से एक्सपीरियंस लीजिए और ख़ुद को एक्सप्लोर कीजिए। या सो दैट्स इट, इतना ही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एंड थैंक यू सो मच नवगुरुकुल टीम, थैंक यू सो मच नवगुरुकुल, एंड लव यू ऑल, बाय।